हेलो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक के करंट अफेयर्स। पहले वन लाइनर फिर पे आधारित कुछ क्वेश्चन, इसमें 15 कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए वन बाय वन देखते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा। और इसको देखते हैं, किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो भारत में। कहाँ विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में। अगला देखते हैं, किस राज्य ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है? ये केरल ने, बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है? तो केरल ने। आइए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में शुरू हुए भारत इंडोनेशिया के बीच सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति पूछा जा सकता है, किसके किस बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। आइए देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्टतम सूक्ष्मतम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन टेस्ट लूप सुविधा विकसित की है? तो ये IISc बंगलौर ने, इसको ऐसे याद कर लीजिए, भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्टतम सूक्ष्मतम कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रिटेन टेस्ट लूप सुविधा विकसित की है। कहाँ? IISc बेंगलौर। आइए अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला सुपरस्टार का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? क्या नाम है? श्रीदेवी। भारत की पहली महिला सुपरस्टार तो कौन थी? श्रीदेवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए अगला देखते हैं, भारतीय विदेश सचिव का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में चीन का दौरा किया? तो विजय गोखले, बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय गोखले। वर्तमान में भारतीय विदेश सचिव जो हैं विजय गोखले, इन्होंने भी चीन का दौरा किया, इसलिए न्यूज़ में है। आइए अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे ई गवर्नेंस पर 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थल पर किया गया? तो हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। भारत सरकार द्वारा आयोजित किए गए ई गवर्नेंस पर 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन, याद रखिएगा, 21वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में, इसको भी याद रखिएगा, हैदराबाद में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कितने श्रमिकों को जो है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 50 श्रमिकों को जो है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने श्रमिकों को प्रदान किए गए? 50। आइए अगला देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह भारतीय महिला जिमनास्ट जिन्होंने हाल ही में जिमनास्टिक विश्व कप में भारत की ओर से पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा है? अरुणा रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह भारतीय महिला जिमनास्ट जिन्होंने जिमनास्टिक विश्व कप में भारत की ओर से पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा है, क्या नाम है? जिमनास्टिक विश्वकप में भारत की ओर से पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा है, तो अरुणा रेड्डी, बोलिएगा नहीं। आइए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्वदेश निर्मित ड्रोन का क्या नाम है जिसका हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया? स्वदेश निर्मित ड्रोन का जिसका परीक्षण DRDO द्वारा किया गया, तो DRDO द्वारा किया गया है, तो क्या नाम है? रुस्तम 2। रुस्तम 2 जो है स्वदेश निर्मित ड्रोन है जिसका हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन और दीव की विकास योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का सहयोग करने के लिए कहा है? तो 1000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन और दीव के विकास के लिए जो है 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, 1000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2 दिन की रस उत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? मथुरा में। आइए अगला देखते हैं, वह देश जिसने शीतकालीन ओलंपिक 2018 में सर्वोच्च पदक जीते हैं, तो ये कौन सा है? नार्वे। कौन है? नार्वे। कितनी 14 स्वर्ण जीते हैं, 14 रजत जीते हैं और 11 जो है कांस्य जीते हैं, टोटल 39 पदक जीते हैं। और शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में, भी याद रखिएगा। आइए 39 पदक जीते हैं। अगला देखते हैं, ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आरंभ किया गया? तो ये हैदराबाद में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नई दिल्ली मैराथन किसने जीती है? हाल ही में आयोजित नई दिल्ली मैराथन के गोपी थुनाकल ने, किसने जीता है? गोपी थुनाकल ने जो है हाल ही में नई दिल्ली मैराथन जीती है।
अगला देखते हैं, रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हुई महिला कोटे की सीटों को सबसे पहले किसको दिया जाएगा, तो वेटिंग लिस्ट में, जो वेटिंग लिस्ट में महिलाएं होंगी उनको दिया जाएगा। जो भी रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हुई महिला कोटे की सीटों को सबसे पहले किसको दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट टिकट वाली महिलाओं को सबसे पहले आवंटित की जाएंगी सीटें। आइए देखते हैं अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विकास पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस रंग का बाल आधार कार्ड जारी करने का घोषणा की है, तो नीले रंग का, किस कलर का, नीले रंग का, याद रखिए नीले कलर का जो है 5 वर्ष से कम बच्चों को, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस कलर का आधार कार्ड जारी करने की घोषणा की है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने, नीले कलर के। आइए अगला देखते हैं, वह देश जहाँ चीफ स्टाफ सहित शीर्ष सैन्य कमांडरों को बर्खास्त कर दिया गया, तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब में काफ़ी सारे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अब महिलाओं को जो है फुटबॉल देखने की अनुमति भी मिल गई है। वह देश जहाँ चीफ ऑफ स्टाफ सहित सैन्य कमांडरों को बर्खास्त किया गया, सऊदी अरब में। आइए अगला देखते हैं, नागालैंड में 27 फरवरी 2018 को कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए, तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में 59 सीटों के लिए जो है चुनाव आयोजित किए गए यहाँ, क्योंकि यहाँ एक एक लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में कितनी कितनी सीटें हैं, 60-60 सीटें हैं, लेकिन 59 पे चुनाव हुई है। आइए अगले देखते हैं, वह स्थान जहां टिकाऊ जैव ईंधन पर 26-27 फरवरी 2018 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में, टिकाऊ जैव ईंधन पर 26 और 27 फरवरी 2 दिवसीय अधिवेशन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। आइए अगले देखते हैं, एचएसबीसी द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार विश्व के किस शहर में विदेशियों को सबसे अधिक सैलरी मिलती है, तो ये मुंबई में, कह किस शहर में, मुंबई में। आइए अगला देखते हैं, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो कनाडा में, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, कनाडा में। आइए अगला देखते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चीन जल्द ही किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन जाएगा, तो अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन जो है सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाला देश बन जाएगा, ये किसकी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, भारतीय बॉक्सर विकास कृष्ण ने सोफिया बुल्गारिया में 69वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक। भारतीय बॉक्सर जो है ये विकास कृष्ण, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था विकास कृष्ण किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, तो भारतीय बॉक्सर विकास कृष्ण ने सोफिया में अभी आयोजित 69वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, और सोफिया किस देश में है, बुल्गारिया में है। आइए अगला देखते हैं, CBSE के नए दिशा निर्देशों के अनुसार विकलांग बच्चे 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे किस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर के, जो विकलांग बच्चे 10वीं और 11वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, वे कंप्यूटर यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, किस केंद्र सरकार ने किस राज्य के मास्टर प्लान 2021 के संशोधन की सिफारिश की है, तो दिल्ली की मास्टर प्लान 2021 को केंद्र सरकार ने जो है संशोधन की सिफारिश की है। आइए अगला देते हैं, बिहार का 2018-19 का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया। आइए अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2018 को सीमा शुल्क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता को लेकर भारत और किस देश के बीच समझौते पर मंजूरी हस्ताक्षर हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भारत और जॉर्डन के बीच जो है सीमा शुल्क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी की प्रशासनिक सहायता को लेकर भारत और जॉर्डन के बीच जो है समझौते पर मंजूरी दी गई है। आइए अगला देखते हैं,
फेसबुक द्वारा अधिकृत इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 47वां स्थान है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का स्थान 47वां है। टोटल 86 देशों में इसका सर्वे कौन किया है? ये किए हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो फेसबुक द्वारा अधिकृत है। आइए अगला देखते हैं। मौसम विभाग ने इस वर्ष पूरे देश में सामान्य से कितना डिग्री अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है? तो 1 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहने की संभावना व्यक्त की है भारत के मौसम विभाग ने। अगला देखते हैं। उद्योग जगत ने जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2%। उद्योग जगत ने भारत की जीडीपी 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। आइए अगला देखते हैं। वह देश जहां पहले की अपेक्षा जीवन प्रत्याशा पहले की तुलना में 2 माह कम हो गई है? तो इंग्लैंड में। वह कौन सा देश है जहां जीवन प्रत्याशा पहले की अपेक्षा में 2 माह कम आकी गई है? तो इंग्लैंड में। आइए अगला देखते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जेरोम पावेल को। जेरोम पावेल को जो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए अगला देखते हैं। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्याम बेनेगल को। श्याम बेनेगल को जो है बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं होगा। भारत की पहली सुपरस्टार जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो पहली है इसमें जूही चावला, श्रीदेवी, रेखा, स्मिता पाटिल। तो कौन है भारत की पहली महिला सुपरस्टार जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया? तो ये है श्रीदेवी। ये ऑप्शन बी ऑप्शन है श्रीदेवी जो भारत की पहली सुपरस्टार जिनका निधन हो गया, बी ऑप्शन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश सचिव का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में चीन का दौरा किया? 4 ऑप्शन देखते हैं। विजय गोखले, संजीव चुंग, आशीष पांडे, देवदत्त वत्स। तो भारत के विदेश सचिव कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में चीन का दौरा किया है? तो ये विजय गोखले। ए ऑप्शन विजय गोखले। भारत के विदेश सचिव कौन है? विजय गोखले। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? पहला है पणजी, दूसरा पुणे, तीसरा सूरत और चौथा हैदराबाद में। ई गवर्नेंस पे 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। डी ऑप्शन हैदराबाद में जो है 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पर आयोजित किया गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा कितने श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए गए? ए 35, बी 50, सी 65 और डी 80। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा श्रमिकों को प्रधानमंत्री कितने श्रमिकों को जो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए गए? तो बी ऑप्शन 50 श्रमिकों को जो है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। उस भारतीय महिला जिम्नास्ट का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस भारतीय महिला जिम्नास्ट का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में जिम्नास्टिक विश्व कप में भारत की ओर से पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा? पहली बार भारत की ओर से जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो देखता हूं, पहला अरुणा रेड्डी है, दूसरा पूनम रेड्डी है, तीसरा नीलम जैन है। तो ये है अरुणा रेड्डी है जो भारतीय पहली महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा है। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? पहला कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा ब्राज़ील में। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया? ए ऑप्शन कनाडा। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देख रहे हैं आने वाले एग्जाम्स में निश्चित तौर पर सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो कनाडा में जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट स्थापित किया गया। आइए सातवां क्वेश्चन देखने से 15 क्वेश्चन टोटल हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चीन जल्द ही किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला अमेरिका, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत। तो ये अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन जो है जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाला देश बन जाएगा। ये सर्वे किसका है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। आइए देखते हैं आठवां क्वेश्चन।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बॉक्सर विकास कृष्ण, ये भी पूछा गया है, विकास किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से। भारतीय बॉक्सर विकास सिंह सोफिया बुल्गारिया में 69वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता? पहला रजत, दूसरा स्वर्ण, तीसरा कांस्य, इसमें से कोई नहीं। तो भारत के बॉक्सर विकास कृष्ण ने सोफिया के बुल्गारिया में 69वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग में जो है बी ऑप्शन स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2018 में सर्वोच्च पदक हासिल किया है? तो इसमें देखते हैं चार ऑप्शन, नॉर्वे, रूस, चीन, भारत। तो नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा पदक 39 पदक जीता है, 14 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य। टोटल 39 पदक जीत कर जो है तालिका में सर्वोच्च स्थान किसने हासिल किया है? नॉर्वे ने। शीतकालीन ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? दक्षिण कोरिया में, याद रखिएगा, कहाँ? दक्षिण कोरिया में। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आरंभ किया गया? पहला जयपुर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा हैदराबाद, चौथा पटना में। ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सी ऑप्शन, हैदराबाद में। आइए ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आप लोगों का खराब नहीं होगा, बहुत कम समय में कवर हो जाएगा। हाल ही मौसम विभाग ने इस वर्ष पूरे देश में सामान्य से कितना डिग्री अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है? पहला 1 डिग्री, दूसरा 1.5, तीसरा है 2 डिग्री और तीसरा चौथा है कोई नहीं। तो हाल ही में मौसम विभाग ने 2018 में पूरे देश में सामान्य से कितना डिग्री अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है? तो ए ऑप्शन, 1 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 1 डिग्री अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है। आइए देखते हैं बारहवां क्वेश्चन। भारत में इस वर्ष जीडीपी दर रहने का कितना अनुमान लगाया है उद्योग जगत ने? भारत ने जीडीपी रहने का अनुमान इस वर्ष कितना लगाया? पहला 6.5, दूसरा 7.2, तीसरा 8%, चौथा 8.5। तो उद्योग जगत ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है इस वर्ष 7.2 रहने का अनुमान लगाया, बी ऑप्शन, 7.2 रहने का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में 65 वर्ष की आयु के लोगों की जीवन प्रत्याशा पहले की अपेक्षा 2 माह कम आंकी गई है? ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है। तो हाल ही में किस देश में 65 वर्ष की आयु के लोगों की जीवन प्रत्याशा पहले की अपेक्षा 2 माह कम आंकी गई है? तो ये इंग्लैंड, कहाँ? इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, डोरिक लिस्टर को, जेमनी डुमनिक को, जेरोम पावेल को और हेनरी ह्यूज को। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जेरोम पावेल को, सी ऑप्शन, जेरोम पावेल को जो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? तो देखते हैं किसे दिया गया। तो ऑप्शंस हैं, रामगोपाल वर्मा, संजय लीला भंसाली, करण जौहर और श्याम बेनेगल। तो किसे दिया गया है? श्याम बेनेगल, डी ऑप्शन, श्याम बेनेगल को जो है हाल ही में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।